हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा, अपने यूट्यूब चैनल विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। CSIR नेट GRF एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में कंडक्ट होगा, और उस एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए, और जो DVT एग्ज़ाम होगा आपका 2024 का, गेट एग्जामिनेशन होगा जो आपका 2024 का, इसके अलावा ICMR एग्जामिनेशन होगा 2024 का, और ASRB जो नेट होता है आपका, इक्विवेलेंट होता है CSIR नेट के, वो भी 2024 में होगा। ये 2023 के कंडक्ट हो चुके हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आज हमने अभी से स्टार्ट कर दी है, और इस प्रिपरेशन को हम जारी रखेंगे तब तक हमारा सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे लेवल का कंटेंट मिलेगा। स्टैंडर्ड बुक होती है जो तेज एंड जिगर है, ठीक है, उसमें से रेफरेंस हैं, और इंडिया की जो बुक्स हैं SN पांडे बुक हैं वहाँ से रेफरेंस आपको मिलेंगे। मटेरियल आपको स्टैंडर्ड बुक का मिलेगा, जहाँ से CSIR जो नेट का जो आपका क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं मोस्टली, वो सारे कवर यहाँ पर होंगे। तो हमने सबसे पहले यूनिट पिकअप की है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम सबसे पहले जो सब टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे आपका, प्लांट अब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक एंड कंसेप्ट है आपका, कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही में जो अब्जॉर्ब किया है मिनरल एंड वाटर को, वो फिर प्लांट के अपर पोर्शन तक कैसे जाता है, इस चीज़ को समझना है। जीन लेवल तक क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, और आपको सी सेक्शन और बी सेक्शन दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बी सेक्शन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सी सेक्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो लगभग आपको 2 क्वेश्चन सी सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं इस पोर्शन से। कभी कभी 2 बन जाते हैं, कभी कभी 1, कभी कभी आपको अलाइड जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें भी ये यूज़ हो जाता है, यानी इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल एबल, मतलब आप अगर इस यूनिट को पढ़ोगे तो आप किस चीज़ में सक्षम हो जाओगे। तो टू स्टडी द प्लांट वाटर रिलेशन है, सबसे पहले प्लांट और पानी के बीच में क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टू स्टडी फिजिकल प्रोसेस ऑफ वाटर लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपकी वाटर के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसको, और असेंट ऑफ सैप जो पानी नीचे से ऊपर जाता है वो क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, वो आपको अच्छे से इस यूनिट में समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कमेंट सेक्शन आपका खुला रहेगा, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको बहुत सस्ते दामों पे मिल जाएंगी, सब कुछ इसमें कंपाइल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस यहाँ से डेली क्लासेस के माध्यम से PDF आपका जो है यहाँ से समझ के आपके अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ, इट हेल्प टू फुलफिल ऑल द वाइटल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिज्म, इवन टू मेंटेन द सोइल टेम्परेचर टू। सोइल का जो तापमान है, सोइल का जो टेम्परेचर है, वो भी आपका वाटर से क्या होता है, मेंटेन होता है। बिसाइड दिस वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन वेरियस अदर प्रोसेसेस टू, एज इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एज यू नो ऑल नो, वाटर हेल्प्स ए प्लांट बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट थ्रू द रूट्स। न्यूट्रिएंट आर ड्रॉन फ्रॉम द सोइल एंड यूज बाय द प्लांट। विदाउट इनफ वाटर इन द सेल द प्लांट ड्रूप, सो वाटर हेल्प्स ए प्लांट स्टैंड, मतलब प्लांट को क्या रखता है आपका, इरेक्ट रखता है। तो ये वाटर के यूजेज हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार थोड़ा हा उलझा के, कि वट आर द वेरियस यूजेज ऑफ वाटर स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ये आपको बेसिक आपको पता होंगे, फिर भी एक बार आपको ध्यान रखने हैं। विदाउट इनफ वाटर इन द सेल द प्लांट ड्रूप, सो वाटर हेल्प प्लांट स्टैंड, उसको खड़े रखता है, इरेक्ट रखता है। वाटर कैरीज द डिजोल्व्ड शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट थ्रू द रूट। प्लांट अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर एंटायर सरफेस, रूट, स्टेम एंड लीव्स। हाउएवर द मेजोरिटी ऑफ रूट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एयर्स। देखिए अभी यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, स्टेटमेंट बेस, कि जो वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है किन किन पार्टों से होता है। वो मोस्टली आपका रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, और लीव्स, तीनों ही पार्ट से वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मेजोरिटी जो वाटर है वो रूट एयर, यानी जो रूट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से होता है। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका, टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट सेल, इट इज़ नेसेसरी टू लॉस एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल।
आइदर इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन और थ्रू ट्रांसपिरेशन। कई बार प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी हो गया लिमिट से ज़्यादा, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो ज़्यादा वाटर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जो ज़्यादा वाटर है वो बाहर किन प्रोसेस के थ्रू निकलता है, वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो आपका बाहर निकलता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज प्राइमरली कंट्रोल बाय स्टोमेटा। जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसको स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं, और ये प्रोसेस लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं आपके उनके माध्यम से ये होती है। समटाइम लेंटिसेल, कभी कभार लेंटिसेल भी ये फंक्शन कर लेती है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पोर्स, छिद्र या छेद जो होते हैं वो भी ये आपका मदद करते हैं इस प्रोसेस में। दिस शोज दैट, ये शो करता है प्लांट हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद वाटर। प्लांट वाटर रिलेशन मीन्स प्लांट कंट्रोल द हाइड्रेशन ऑफ देयर सेल इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, इट्स ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट एंड इट्स लॉस बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्लूड अ प्रोसेस कॉल्ड गटेशन। ट्रांसपिरेशन का ही एक प्रकार है जिसको बोलते हैं हम गटेशन, इंपॉर्टेंट है गटेशन, विच इज लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। अब गटेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होगा वो वाटर की फॉर्म में लॉस होगा फ्रॉम द अनइंजर्ड लीफ और स्टेम ऑफ द प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। जो लीफ है, गटेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, जो पत्ता है या लीफ है वो इंजर्ड होना चाहिए, यानी घायल या चोटिल या उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है यार, ये 4 नंबर में आपका बन जाएगा। ठीक है, टाइपिकल थ्रू द स्टोमेटा नोन हाइड्रेथोड के थ्रू ये क्या होती है आपकी गटेशन जो प्रोसेस है ये कैरी आउट होती है। ठीक है, चलिए। स्टडीज हैव रिवील्ड दैट अबाउट 10% ऑफ द मॉइस्चर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, 10% जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में जो इज रिलीज बाय प्लांट, 10% का जो मॉइस्चर है वो प्लांट रिलीज करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसके द्वारा। चलिए, उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। भाई कितना इंपॉर्टेंट है पानी जो पौधा है उसके जीवन के लिए। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइम फैक्टर फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ए लाइफ इटसेल्फ हैज बीन ओरिजिनेटेड इन एन एक्वस एनवायरमेंट, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन वाटर इन नंबर ऑफ वेज। दिस वी कैन से दैट वाटर इज ए लिक्विड ऑफ लाइफ और एलेक्जियर ऑफ लाइफ। इन जनरल वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स द मेन कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में आपका कितने प्रतिशत वाटर है, आपका 92-95% वाटर है। ये स्टैटिक फैक्ट होते हैं, इनको आपको इंपॉर्टेंट है ना, इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं भी इनको सर्कल करता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऑफ इट्स टोटल वेट, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर प्रोटोप्लाज्म बिकम इनएक्टिव एंड इवन किल्ड। वाटर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें कार्बन का क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। ये भी बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ, ये हो गया आपका, बिसाइड दिस वाटर प्रेजेंट इन द वोक्यूल विच हेल्प इन मेंटेनिंग ट्रेजिडिटी ऑफ द सेल। वोक्यूल एक ऑर्गेनेल है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, जो ट्रेजिडिटी होती है सेल की उसको मेंटेन करने का काम करता है। विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे ही कोई भी सेल वाटर को ऑब्जॉर्व करती है यानी ग्रहण करती है, तो वो ट्रेजिड हो जाती है, फूल जाती है। द ट्रेजिडिटी ऑफ हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ सेल, और ट्रेजिडिटी की वजह से क्या होता है सेल इलोंगेट यानी लंबा हो जाती है आपकी। ये ऐसी सेल थी कोई, जैसे ही उसने वाटर वो किया तो इलोंगेट होगी वो। ठीक है, साइज में इस तरीके से आपको इसको समझना है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीजन इज डिफरेंट एंड इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिमल किंग इन हायर प्लांट। ठीक है, जो अवेलेबिलिटी होती है आपको पता है विंटर और समर सीजन में अलग अलग होती है। इन समर द ट्रेजिडिटी लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, जो समर होता है उसमें ट्रेजिडिटी लेस होती है, हैंस फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेल। तो समर में छोटी छोटी सेल्स बनती है कंपेरेटिवली टू विंटर। क्यों, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में भी, क्योंकि विंटर में क्या होता है आपका हायर ट्रेजिडिटी होती है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेल बनती है। इन नेचर वी हैव डिफरेंट टाइप प्लांट, नेचर में हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट लाइक एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, हेलोफाइट, जीरोफाइट एक्सेट्रा, एंड डिफरेंट प्लांट अब्जॉर्व डिफरेंट वाटर इन डिफरेंट वे। हर प्लांट का अपना एक अलग तरीका है पानी को अब्जॉर्व करने का। ठीक है, चलिए। वाइल ऑर्किड, एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्किड प्लांट है, अब्जॉर्व मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर। अब ऑर्किड जो है मॉइस्चर आपका एनवायरमेंट से लेता है, यानी एटमॉस्फेयर से लेता है, वातावरण से लेता है, हवा से आप बोल सकते हो, ना कि सोयल से, सोयल से नहीं लेता। तो ये एक अलग प्रकार से वाटर अब्जॉर्ब करता है। लैंड प्लांट गेट देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम सोयल, विच सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल टू देम। द वे इन विच वाटर फ्रॉम सोयल, जिस तरीके से पानी सोयल के माध्यम से आपका रूट में एंटर करता है, पर्टिकुलरली रूट के किस पोर्शन में जाता है, जाइलम में। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद है आपका
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि भाई फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की वो क्या होंगी। एज पर स्टडीज ऑन ग्लोबल वाटर कवर अबाउट 73% ऑफ अर्थ सर्फेस, लगभग ग्लोबल बेस पे बात करें तो 73% है अर्थ के सर्फेस पे आपका क्या है पानी है। प्रोवाइड द मोस्ट एक्सटेंसिव मीडियम फॉर ऑल एक्वाटिक लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वाटर ओकर इन ऑल थ्री फिजिकल फॉर्म इन द अर्थ एट मॉडरेट टेम्परेचर। इट इज प्रेजेंट इन आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर और इन सलाइन वाटर फॉर्म इन ए सी एंड साल्ट लेक। द फ्रेश वाटर ऑफ एक्टिव ग्राउंड वाटर ग्लेशियर आइस कैप में होगा, रिवर लेक डैम स्ट्रीम सोइल मॉइस्चर एक्सेट्रा रिप्रेजेंट ओनली 1.92%। सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है 1.92% है ये आपका टोटल वाटर स्टॉक का। मैंने इसको अच्छे से सर्कल किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं, बट इवन फ्रॉम दिस स्मॉल सेगमेंट एज मच एज 98.65% इज शेयर्ड बिटवीन एक्टिव ग्राउंड वाटर एंड आइस ऑन माउंटेन टॉप एंड पोल लेक एंड रिवर्स कंस्टिट्यूट। जो रिवर्स है उसमें तो मात्र 0.98% है और फ्रेश वाटर का स्टॉक लगभग 10% के आसपास है इस 1.92 की बात चल रही है। ठीक है, तो ये आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया हुआ, ये आइस है, ये वाटर है, ये वाटर वेपर, ये अलग अलग फॉर्म है वाटर की, ये वाटर साइकिल है एटमॉस्फेयर में कैसे चलती है। ये देखिए आप, रेन क्लाउड प्रेसिपिटेशन हुआ, पानी नीचे गया रन ऑफ, परकोलेशन जमीन में वोट ग्राउंड वाटर गया, फिर क्लाउड बने, इवेपोरेशन हुआ, तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है वाटर साइकिल। ठीक है, उसके बाद है आपका वाटर मॉलिक्यूल को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है। वाटर कंप्राइजेज ओवर अबाउट 90% ऑफ केमिकल कंटेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म एंड सो वी कैन से जस्टिफाइबली दैट वाटर इज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। बट बिफोर द दिस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू द डिफ्यूजन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फंडामेंटल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर सब्सटेंस। वाटर प्रेसिपिटेट इन ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वाटर इज रिमार्केबल कंपाउंड विद यूनिक प्रॉपर्टी दैट रिजल्ट फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले आपको याद रखना होगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ टू हाइड्रोजन एटम होंगे, इसमें फॉर्मूला ये होता है ना, ये देखिए आप, बॉन्डेड कोवलेंटली टू वन साइड ऑफ ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन जो एटम है ये ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ठीक है, वाटर अब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करता है एंड टॉलरेट अदर फिजिकल स्ट्रेसेस विदाउट ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। वाटर इज अ पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर किस तरह का मॉलिक्यूल है, पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। ठीक है, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एसोसिएट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हैंस ड्यू टू दिस एसोसिएशन लाइक एडहेशन और कोहेशन दैट आर क्रिटिकल टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल है, एडहेशन एंड कोहेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन विच द हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू द ऑक्सीजन एटम क्लोजेज वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल टू हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड द एरिया इन द अपोजिट डायरेक्शन टू हैव पॉजिटिव चार्ज विच क्लोजेज मॉलिक्यूल वाटर टू बी अटैच ईच अदर फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे पोलर मॉलिक्यूल मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक अपोल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ताकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आपका क्या है बीच में बन पाए। द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिजल्ट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर द नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। द रिजल्टिंग पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्यूजेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू बी अटैच्ड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आपका वाटर क्या है, टेस्टलेस है, कोई उसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस लिक्विड एट है आपका एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अपीयर कलरलेस इन स्मॉल क्वांटिटीज। ऑल्थो इट हैज़ इट्स ओन इंट्रिंसिक वेरी लाइट ब्लू ह्यू। ठीक है, थोड़ा ब्लूइश आपको कलरेशन में आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू द लिविंग सेल इज इट्स सोलवेंट एक्शन। वाटर इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट बोला जाता है, सोलवेंट घोलने वाला, जो अपने अंदर चीज़ों को घोलता है। तो क्यों बोला जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार स्टेटमेंट बेस बन जाता है, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद अ वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये काफ़ी सारे कंपाउंड के साथ क्या बनाता है आपकी वो बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, घुलता है उनमें। द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ इट्स इज ऑफ वाटर इज ऑफ ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस फॉर द लिविंग प्लांट। इज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड कंपाउंड नेसेसरी फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज रिक्वायर वाटर एज अ ट्रांसलोकेशन एंड रिएक्शन मीडियम। All these material are present in water in the dissolved form. This form distributed throughout the plant. This all the physiological processes that diffusion, osmosis and imbibition are intimately associated with the essential function of translocation of water and solute from site of origin or the site of activity.
ठीक है, तो ये वहाँ पर आपका क्या होगा, वोटर इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ कौन कौन सी प्रोसेस उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी। अब जो वोटर है उसमें कौन कौन से फोर्सेज होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट आपको यहीं तक है। हमने अभी क्या पढ़ा है लेक्चर फर्स्ट में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वोटर क्या है, वोटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वोटर साइकिल क्या है एटमोसफियर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वोटर क्या है, उसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है वोटर की प्लांट लाइफ में, क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए, इंट्रोडक्शन चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्टैंडर्ड बुक से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर टू में हम कंटिन्यू रखेंगे एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल मैक्सिमम, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। धन्यवाद, थैंक यू।